मैम हमने पढ़े थे रक्त और रक्त की संरचना, दूसरे दिन क्लास में क्या पढ़े थे, रक्त समूह और माता पिता से होने वाले संतान में रक्त संभावित रक्त समूह। आज पढ़ रहे हैं रक्त अभिश्लेषण। तो रक्त का अभिश्लेषण क्या है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़े थे, तो एंटीजन ए और एवं एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों? तो जैसा होने पर आपस में मिलकर क्या होगा, अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं और रक्त नष्ट हो जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, रक्त का विश्लेषण। तो बताए थे ग्रुप रक्त समूह कितना होता है, चार, ए बी और ओ। एंटीजन क्या बताए थे, जो आपको दिख रहा है, एंटीजन दो होता है ए और बी, और एंटीबॉडी भी क्या होता है, दो एंटीबॉडी ए और बी। तो एंटीजन बता चुके थे क्या, नाम में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, एंटीजन है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन है, आपको दिख क्या रहा, ए है, मतलब इसका एंटीजन क्या है, एंटीजन आप में है ए। बी में कौन एंटीजन है, बी। ए बी में कौन है, ए और बी। ओ में कोई चीज नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। और एंटीबॉडी देखते हैं, जैसे इसमें एंटीजन ए है, आपको बी नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें एंटीजन बी है। इसमें आपको ए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी ए है। और इसमें ए बी में आपको दोनों चीज़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ओ में आपको ना ए दिख रहा है ना ए बी, इसका मतलब होगा ए और बी दोनों इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। इस तरह बताए थे एंटीजन और एंटीबॉडी याद रखने का ट्रिक। यानी आपको जो दिखाई दे रहा है वो हो गया एंटीजन और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो एंटीबॉडी। तो क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन एक साथ नहीं रह सकता और एंटीबॉडी भी एंटीजन बी के साथ नहीं रह सकता है, ऐसा रहने पर रक्त नष्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रक्त अभिश्लेषण। अब आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर, तो इसका खोज 1940 ईस्वी में लेड स्टिनर और विनस ने रिसस नामक बंदर में इस तत्व का पता लगाया। तो रेड स्टिनर ऐसे आप जानते हैं रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, रेड स्टिनर। तो जिन व्यक्तियों के रक्त समूह में पाया जाता है उसे कहते हैं आरएच सहित अर्थात आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों में ये तत्व नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, आरएच रहित अथवा आरएच नेगेटिव। तो रक्त जब दिया जाता है तो उसमें आरएच फैक्टर की जांच की जाती है, तो आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव तथा रक्त समूह आरएच नेगेटिव को आरएच नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वाले आरएच नेगेटिव रक्त को रक्त देता है क्या होता है, तो प्रथम बार का मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया जाता क्या होता, अभिश्लेषण के कारण उसकी आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो देते हैं उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ले रहे हैं उसमें माइनस प्लस दोनों एक साथ हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, रक्त का अभिश्लेषण होगा और आगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। ये क्या होता है, यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव तथा माता का रक्त क्या हो, आरएच निगेटिव हो, तो क्या होता है, प्रथम संतान सामान्य होगी परंतु बाद में जो संतान होगा उसमें क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कल बताए थे रक्त समूह अगर माता पिता दोनों का मान लेते एगो का ए हो एगो का बी हो, तो संभावित जो बच्चे में संभावित रक्त समूह कैसे निकालते हैं, तो बताए थे ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ, बी को लिखिए बी ओ, तो देखिए क्या होगा ए बी, इसके साथ होगा तो ए ओ, इसके साथ होगा तो B O और इसके साथ क्या होगा O, तो इसका मतलब A B A B O, अर्थात अगर यदि माता पिता A B हो तो उसे संभावित संतान क्या हो सकते हैं, चारों ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। तो कल हम अगली कक्षा में लाएंगे आपके लिए तो ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण सभी वैकल्पिक प्रश्न जो पिछले अध्याय पढ़ाए उस पर आधारित रहेगा। धन्यवाद।